उत्तर पूर्वी जिला की एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। चोरी के 12 दुपहिया वाहन भी बरामद किए। उत्तर पूर्वी जिला के डीसीपी संजय कुमार सेन ने वीरवार की दोपहर मीडिया को बताया कि नॉर्थ जिला की एटीएस की टीम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 3 ऑटो लिफ्टर एक चोरी की मोटरसाइकिल पर ज्योति नगर थाना क्षेत्र में आएंगे किसी वारदात को अंजाम देने के लिए, जिसके बाद एटीएस के एसीपी फिरोज की निर्देश पर एक टीम बनाई थी जो कि सब इंस्पेक्टर बलवीर ने बनाई थी। इस टीम के अंदर हेड कांस्टेबल विपिन त्यागी, हेड कांस्टेबल सोनू बैसला, हेड कांस्टेबल पवित कसाना, हेड कांस्टेबल संदीप और हेड कांस्टेबल अमित इस टीम में शामिल थे और गुप्त सूचना के आधार पर ज्योति नगर थाना क्षेत्र में जाल बिछाया, जहां मुखबिर के इशारे पर एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आ रहे थे। उन्हें रोकने का इशारा किया मगर वह भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने पीछा करके उन तीनों को पकड़ लिया। उनके पास जो मोटरसाइकिल थी वह नंबर ट्रैक किया तो वह भजनपुरा थाना क्षेत्र से चोरी पाएगी, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 11 दोपहिया वाहन भी और उन्होंने चोरी की हैं। आरोपियों के कहने पर पुलिस ने 11 दोपहिया वाहन और भी बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के पास से टोटल 12 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम पुलिस ने बताया, पहला नदीम उर्फ नड्डी सन ऑफ मोमिन, जो गली नंबर 3 हुसैनी मस्जिद के पास बाबूनगर दयालपुर का रहने वाला है, इसकी उम्र 33 वर्ष है। दूसरा जमील उर्फ सोनू सन ऑफ सलीम, गली नंबर 5 हुसैनी मस्जिद के पास बाबूनगर दयालपुर का है, इसकी उम्र 25 वर्ष है। तीसरा फरमान सन ऑफ मोहम्मद जफर, गली नंबर 5/2 ट्रांसफर वाली गली बाबूनगर दयालपुर का है, इसकी उम्र 23 वर्ष है। इन तीनों ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के 12 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस तीनों आरोपियों से कर रही है पूछताछ।